हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है पटेल क्लासेस अमोली के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो विषय है वो 2022 सीटेट के सिलेबस को लेकर है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई तैयारी शुरू कर रखी है और कोई तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप लोगों को यही नहीं मालूम कि हमें किस रास्ते जाना है, तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे और बाद में फिर एक या दो अंक से उन्हीं लोगों का रुकता है जो तैयारी आँख मूंद कर करते हैं। यह सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, लेकिन सिलेबस आपको पूरा दिखाएं उससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको भी दबाइए। उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे भी जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच जाए। उसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां तक इस वीडियो को फैला दीजिए, जिससे कि सभी साथियों तक ये जानकारी पहुंच जाए। चलिए हम लोग सिलेबस आप लोगों से डिस्कस करते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है। आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिलेबस। दोस्तों, पेपर वन फॉर क्लासेस फर्स्ट टू फिफ्थ, यानी पहली से लेकर पाँचवीं तक के जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्टेज जो है वो ड्यूरेशन एग्जाम, इसमें बताया गया है कि जो एग्ज़ाम का समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का रहने वाला है, यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 150 मिनट का एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें, सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण चीज़ जो दिख रही होगी वो ये दिख रही होगी कि इसमें 30 30 30 30 30, यानी 150 क्वेश्चन आते हैं, और आपकी CDP 30 अंक की आती है, भाषा 1 30 अंक की आती है, भाषा 2 30 अंक की आती है, मैथमेटिक्स 30 अंक की पूछी जाती है, और EBS आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो भी 30 अंक की पूछी जाती है। कुल मिलाकर आपके 150 अंक का पेपर आता है। उसके साथ ही नेचर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो पेपर है साफ साफ इसमें दिया हुआ है कि नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का नेचर कैसा रहने वाला है, स्टैंडर्ड कैसा रहने वाला है, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट ध्यानपूर्वक देखने होंगे। वीडियो कंप्लीट देख के जाइएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि किसी तैयारी को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको दिख रहा होगा द टेस्ट आइटम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू बी एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इंट्रैक्शन विद लर्नर एंड द एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज ऑफ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाएं तो सीधी सी बात ये कहना ये चाहता है कि जो ये पेपर का स्टैंडर्ड होगा, जो पेपर पूछा जाएगा आपका, वो पूरी तरीके से साइकोलॉजी, यानी कि आपकी जो साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग है, यानी जो मनोविज्ञान है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और वो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस एज ग्रुप के बच्चों से संबंधित होंगे, वो कक्षा मतलब 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के एज ग्रुप से रिलेटेड होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चनों को जो पूछा जाएगा उन पर ये फोकस किया जाएगा कि बच्चे को सेंटर में रखा जाए, टीचर बाहर रहे, यानी सेंटर में बच्चा होगा, टीचर को केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाएगा, यानी टीचर एक मददगार के रूप में यहाँ पर रहने वाला है। अगर दूसरा इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज सेकेंड विल फोकस ऑन एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कंप्रेशन एबिलिटी। जो ये लैंग्वेज 2 होने वाली है वो आपस में संवाद आप किस प्रकार से कर रहे हैं, बच्चों के साथ कैसा आपका व्यवहार है, इस बारे में रहने वाला है। अब इसमें आपको बता दें कि जो ये पेपर रहेगा, इसका अगर आपको पूरा सार समझाएं तो ये पेपर पूरी तरीके से आपको जो देखने को मिलने वाला है, इस पेपर में पूरी तरीके से आपको ज़्यादा फोकस पेडागॉजी में करनी होगी। उसके अलावा वो पेडागॉजी पहले जैसे आती थी उससे अब थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। कारण ये है कि अब फोकस किया जाएगा कि आप बच्चे को किस प्रकार से कक्षा में पढ़ाते हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, ये चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी आपको यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल मिलने वाले हैं, सारे के सारे लोग आपको क्या करते हैं, पेड कोर्स की तरफ डाइवर्ट कर ले जाते हैं, आपको वो चीज़ें पेड कोर्स में देने का प्रयास करते हैं जो कि यहाँ पर फ्री मिलती हैं। तो फ्री के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसके साथ ही शेयर करना है। उसके साथ ही अगर आप लोग बड़े बड़े चैनलों में जाकर देखते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ पर वो चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं जो पेपर में आती हैं। वहाँ पर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका लेते हैं, 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने में कम से कम 1-1 घंटे लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कम समय में ज़्यादा डिलीवर कैसे किया जाए, क्वालिटी कंटेंट कैसे डिलीवर किया जाए, उसका प्रयास पूरा हम करते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, हमने हिंदी की पूरी पेडागॉजी यहाँ पर चलाई थी लगातार, और आप पूरे सेट उठा के देख लीजिएगा, आपको पूरे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से
हमारी जितनी पेडागॉजी हमारे इस चैनल पे द्वारा बताई गई थी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो भी सारे फ्री में थे, कोई पेमेंट या कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया। तो इसलिए आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल पे। और आपको बता दें ये कितनी भाषाओं में पूछा जाएगा, 20 भाषाएं इसमें रहने वाली हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 20 भाषाओं में इस पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो 20 भाषाएं, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मेरी भाषा सम्मिलित रहेगी, ये भाषा सम्मिलित रहेगी, तो आपकी स्क्रीन पर है ये जो 20 भाषाएं। तो और सारी की सारी चीज़ें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सिलेबस ऑफ डेट सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब इन द क्लास 1 से 5 तक के NCERT है, आपको उस पर फोकस करना है। यानी कि ये जो टॉपिक है, इसमें टॉपिक के बारे में नीचे बताया गया कि द क्वेश्चन इन द टेस्ट ऑफ पेपर 1 विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक प्रिस्क्राइब इन सिलेबस ऑफ द NCERT फॉर क्लासेस 1 से 5 तक की जो है, लेकिन दे आर डिफिकल्टी स्टैंड एंड द लिंकेज कुड बी अप टू द सेकेंडरी स्टेज। यानी कि जो पेपर का लेवल रहेगा, NCERT 1 से 5 तक की पूछी जाएंगी, जो पेपर का जो आप देख पा रहे होंगे कि जो कठिनाई का स्तर रहेगा पेपर का, वो 8वीं तक का रहने वाला है। यानी प्राइमरी की परीक्षा के लिए जो आपका पेपर का स्तर रहने वाला है, वो कठिनाई का स्तर रहने वाला है, वो 8वीं तक का रहेगा। और कुछ लोग का सवाल लगा कि जूनियर के लिए क्या करें, तो आपको बता दें 3 कॉमन सब्जेक्ट ही रहते हैं, CDP हो आपकी, EBS हो और मैथ हो, 3 आपके कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे। यानी कि आपको 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए, अगर मैथ की बात करें, मैथ विज्ञान वहाँ पर अलग हो जाती है, कुछ लेवल बदल जाता है, लेकिन आपकी जो भाषा है, आपकी हिंदी हो जाए और उसके बाद आपकी EBS हो जाए और आपकी CDP हो जाए, ये 3 आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको प्राइमरी में और जूनियर में दोनों में कॉमन देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ ही कोई और अपडेट चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।